बैक टू माई चैनल. कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे. मैं दुआ भी करती हूँ कि आप सब अच्छे रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें. सो गाइस, मेरी यूट्यूब की इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद 4.5 लाख की बट व्यूज़ बहुत कम आ रहा है. क्या ऐसा आप लोगों को मेरी वीडियो में नहीं पसंद आ रहा है? क्या आप लोग वॉच नहीं करते हैं? ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया है. सो गाइस, प्लीज़ अगर ये नहीं कर रहे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए. इससे मुझे वो खुशी मिल जाएगी कि मेरे पास सब्सक्राइबर यूट्यूब की फैमिली नहीं है. बट गाइस, होने के बावजूद मेरे वीडियो पे बहुत कम व्यूज़ होता है. चलिए, मैं तब भी अगर हिम्मत नहीं हारती हूँ, तब भी मैं रोज़ अपलोड करने की कोशिश करती हूँ वीडियो और बहुत मेहनत करती हूँ, क्योंकि इतने सारे बच्चों को पढ़ाना, स्कूल, ट्यूशन, काम होने के बावजूद मैं वीडियो अपलोड करना नहीं रोक रही हूँ गाइस. तो आप देख सकते होंगे. सो गाइस, अभी फुल वीडियो वॉच कीजिएगा. इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मैंने मीशो से जो कॉस्मेटिक मंगा रही हूँ उस पर मैं वीडियो बना रही हूँ कंटिन्यू. तो अभी मैंने मीशो से मंगाया ये ओलिविया पैनकेक. मैंने ओलिविया पैनकेक की वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, जो कि मैंने जनरल शॉप से परचेज किया हुआ था. वो एकदम रियल थी, तो ओरिजिनल था. वो कैसा था वो मैंने बना रखा है. तो मैं यहाँ कार्ड्स में डाल दे रही हूँ, चेक कर लीजिएगा. सो गाइस, ये ओलिविया पैनकेक मैंने मीशो से परचेज किया हुआ है और इसमें मुझे मिला है 28 से डार्क बेज. मैंने लाइट शेड वहाँ पे चूज़ किया था, क्योंकि इसमें शेड चूज़ करने का ऑप्शन नहीं होता है मीशो में, ये आप ज़रूर नोटिस किए होंगे. तो यहाँ तक वीडियो वॉच कर लिए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. इसके कोई भी पैसे नहीं कटते डियर, बस एक मुझे थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी. एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर ने, मेरे फॉलोअर्स ने या मेरे व्यूअर्स ने लाइक किया. और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. तो ये पैनकेक है, ये 100% वाटर प्रूफ बोलते हैं, ये ओलिविया पैनकेक है. एंड गाइज, ये डार्क बेज है. इसकी प्राइस है 150 रुपीज़ और मैंने इसे मीशो से 131 में मंगाया हुआ है. ये आज ही मुझे ये रिसीव हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक बार इसका क्लोज दिखा देती हूँ. लोग ओलिविया पैनकेक, ये 100% वाटर प्रूफ है एंड इसका शेड है, ये 150 रुपये का है बट मीशो से मुझे 131 में मिला. इसका शेड है 02 डार्क बेज, मेरी अकॉर्डिंग 08 सॉरी डार्क बेज है, तो थोड़ा डार्क कलर लगा मुझे ऐसा मेरी स्किन के अकॉर्डिंग. बट इसको थोड़ा ज़्यादा लाइट कॉम्प्लेक्शन वाला नहीं लेना चाहिए, वो सही शेड नहीं आता है. अंदर भी कलर में एक्जैक्टली आप देख लीजिए ये है, और ये वाटर प्रूफ है 100%. चेक करके मैं पूरे आगे वीडियो डिटेल्स में देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ. सो गाइस, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे आपकी ऑनेस्ट रिव्यू कर दी जाए. तो ये थोड़ा डार्क शेड आ गया है, क्योंकि पता नहीं क्यों पैनकेक में ऑलमोस्ट थोड़ा डार्क शेड ही मिल जाता है इस तरह की पैकेजिंग में है. और पैकेजिंग तो खूबसूरत है और रियल ही लग रही है अभी तक. और सी यहाँ पे मिरर हुआ करता था बट इसमें मिरर नहीं दिया गया है. तो और ये यहाँ पे अलग से ये पैनकेक यहाँ पे है. शेड अप शेड देख रहे होंगे मेरे फेस के अकॉर्डिंग, ये थोड़ा सा डार्क है, ये येलो स्टोन में जा रहा है. एंड यहाँ पे ये इस तरह की जो स्पॉन्ज ये देते हैं, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये होता है, थोड़ा सा यहाँ पे आएगा सी. एंड यहाँ पे वाटर स्प्रेड करना होता है, तो मैं वाटर की जगह पे रोज़ वाटर स्प्रेड करना पसंद करती हूँ. सो गाइस, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर, फ्यू ड्रॉप ऑफ रोज़ वाटर अपलोड करूँगी. सॉरी, यहाँ पे डाल रही हूँ, मैं कुछ भी बोल दे रही हूँ. सो गाइस, तो अपनी जो ये बड़ी बहन समझिए, छोटी बहन समझिए, छोटे जो होंगे उन लोगों के लिए मैं बड़ी हूँ, जो मेरे से बड़े होंगे मैं उन लोगों के लिए बड़ी बहन हूँ, जो भी दीदी जो भी बोलते होंगे. सो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करिए. क्या ऐसे मुझसे मिस्टेक हो रही है जो आप लोग मेरी वीडियो को नहीं है? प्लीज़, मैं कम पढ़ी ही हूँ, उतना इंग्लिश नहीं बोलना जानती हूँ, ये सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए. मैं काम इंसान हूँ, तो ऐसे लोगों को भी प्लीज़ सपोर्ट करते हैं यूट्यूब पे. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यूट्यूब के में कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल ही आप रह सकते हैं, तो प्लीज़ वो सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आप सपोर्ट कीजिए. देखिए, यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि जो सॉरी रोज़ वाटर, क्योंकि यहाँ पर डायरा से डाला था, वो पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो डालेंगे वो थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा लगाने में. और स्पॉन्ज भी गीला कर सकते हैं, तो इसी से आप स्पॉन्ज भी गीला कीजिएगा. जैसे स्पॉन्ज गीला कीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा. एंड सी, ये डार्क शेड है, तो मेरा शेड यहाँ पे डार्क हो रहा है बट मैं तब भी आपको लगा के दिखा रही हूँ. भले मैं थोड़ा सा काली दिखने लगूंगी बट कोई बात नहीं है. इस तरह से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? देखिए, यहाँ पे फेस और यहाँ का फेस में मेरा कलर चेंज हो रहा है, कि ये डार्क शेड है. तो पर मैं आप लोगों के लिए डार्क शेड भी अप्लाई कर रही हूँ. ये ओरिजिनल मिला है कि नहीं ये मैं आप लोगों को और थोड़ा सा यहाँ पे डालना पड़ेगा. और इसको मैं लाइट शेड कैसे करें इस तरह की प्रोडक्ट को, ये भी मैं वीडियो में जल्द अपलोड कर दूंगी. तो इसीलिए कह रही हूँ कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा
और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप मेरी कोई भी वीडियो लॉस्ट नहीं कर पाइएगा। पहले इसका एप्लीकेशन करिएगा, ठीक है, पूरे फेस पे इनो अप्लाई कर लीजिएगा। कान वान जरूर कवर करेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं कवर कीजिएगा तो अनइवन हो जाएगी टोन आपकी। सी कैसा एक येलोइश टोन मेरे फेस पे हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा सूखने दीजिएगा। नेक को भी आप जरूर कवर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर परफेक्टली लगा रहे हैं, सी इतना अच्छे से लग गया, तो आप नेक को जरूर कवर कीजिएगा, नेक बिना कवर किए नहीं छोड़िएगा। तो ये लग गया। अब इसको सेट करने के लिए आपको लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट, फिर इसको याद रखिएगा, इसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पे ये सूख जाएगा, और इसका इस तरह से यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे इसको आपको ऐसे करके फिर वापस से रख देना है, और देख सकते हैं यहाँ पे स्किन पे एकदम स्मूथ टेक्सचर मिल रहा है, और मेरी जो स्किन का कलर थोड़ा इससे कवर हो गया है, क्योंकि मुझे स्किन पे फेयरनेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरी स्किन से थोड़ा सा शेड ज़्यादा था, बहुत गोरी नहीं हूँ, थोड़ा सा फेयर मेरा स्किन है। तो ये बहुत डार्क शेड है, एटलीस्ट कैमरे में उतना नहीं लग रहा है, डार्क बेज है, यू नो डार्क बेज, तो समझ सकते हैं आप। ये हो गया, अभी कितना वाटर प्रूफ है मैं आपको दिखाऊंगी अभी अपने फेस पे थोड़ा सा वाटर डाल के। तो इसको आप लूज़ पाउडर के साथ सेट कीजिएगा, मैं थोड़ा लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लैक्मे का पाउडर लिया है लूज़ पाउडर, यहाँ से मैं उसे सेट करूँगी। सेट करने के लिए डैप डैप करके इस तरह से सेट करेंगे, पूरे फेस पे ये सेट हो जाएगा। सो गाइस ये हो गई मेरी फाइनल लुक। तो ये जो देख के मुझे लगा कि इसमें कुछ भी फेक नहीं है, ये अगर मिसो सब लेना चाहते हैं तो ये ओके है, एंड इसमें कुछ भी आपको फेक नहीं है। अब मैं इसको वॉश करके आपको एक बार आपके सामने वाटर फेस पर डाल के दिखाऊंगी कितना ज़्यादा ये मतलब ये है लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा फेस पे वाटर डाला, फिर भी ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है। तो ये सही में वाटरप्रूफ होता है। सो गाइस आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा, यू नो यू मिसेस ओलिविया पैनकेक जो मैंने मंगाया है, इसकी रिव्यू मैंने सही से किया कि नहीं किया, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों की बड़ी बहन या छोटी बहन समझ के इसको एक्सेप्ट कर लूँगी, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। यू नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैड कमेंट भी करते हैं, बट मैं कभी उस पर बैड इफेक्ट मतलब बैड रिप्लाई नहीं करती हूँ ना, मैं बस जैसे इग्नोर कर देती हूँ। तो वो भी आप कर सकते हैं, फिर अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, बट कुछ भी तो कर दीजिएगा। सो गाइस अच्छा लग जाएगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को हाफ एन आवर में आंसर कर दूंगी। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, आंटी कैन लव यू माय ऑल यूट्यूब फैमिली।